चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और गार्ड के बयान के अनुसार ट्रेन नंबर 1-2-3-3-2 जम्मू तवी हावड़ा हिमगिरी एक्सप्रेस में ट्रेन 16:23 बजे शाहजहाँपुर स्टेशन से गुजरी, फुल स्टॉप। दूसरे अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि यह ट्रेन शाहजहाँपुर स्टेशन से गुजरी थी, फुल स्टॉप। 16:23 इस ट्रेन के डिब्बों की छतों पर यात्रा कर रहे कुछ यात्री प्लेटफॉर्म के अंत में शाहजहाँपुर छोर पर स्थित सार्वजनिक फुट ओवर ब्रिज से टकरा गए, फुल स्टॉप। दुर्घटना के समय ट्रेन की गति WDM ट्रेन संख्या का 3LKO 1-2-3-3-2 जम्मू तवी हावड़ा हिमगिरी एक्सप्रेस को मेधा स्पीड टाइम डिस्टेंस रिकॉर्डिंग सिस्टम टाइप MRT 918 प्रदान किया गया था, फुल स्टॉप। दुर्घटना पर उनके तकनीकी नोट में उनके लोको की स्पीडोमीटर रिकॉर्डिंग का विश्लेषण किया गया था, फुल स्टॉप। उसी की प्रति अनुलग्नक एक्स के रूप में संलग्न है, फुल स्टॉप। CRSEHG द्वारा किए गए गति और समय अवलोकन विश्लेषण के अनुसार, फुल स्टॉप। ऊपर से ट्रेन की गति नंबर 1-2-3-3-2 इस प्रकार दुर्घटना के समय DN को 75 किमी प्रति घंटा माना जाता है, फुल स्टॉप। छत के यात्रियों को लगी चोटों के विवरण से यह देखा गया कि अधिकांश घायल व्यक्तियों को चोट लगी थी, फुल स्टॉप। उनके सिर का ऊपरी हिस्सा पर चोट लगी थी, फुल स्टॉप। यह भी स्पष्ट था कि यात्रियों को चोटें आई जो यात्रा कर रहे थे और डिब्बों की छत पर बैठे थे, फुल स्टॉप। किसी बांध से टकराने की घटना के परिणाम स्वरूप छत पर सवार लोगों को इस तरह की चोटें लग सकती हैं। सभी संभावनाओं में मौजूदा फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज आदि से टकराने से, फुल स्टॉप। पैरा उपलब्ध साक्ष्य से पता चलता है कि ट्रेनें शुरू करने से पहले सभी रेलवे और नागरिक अधिकारियों द्वारा छत पर सवार लोगों को छत से नीचे लाने के लिए संभावित प्रयास किए गए, फुल स्टॉप। सार्वजनिक संबोधन प्रणाली और जोरदार जयकारों के माध्यम से निरंतर घोषणाएं की जाती थी, फुल स्टॉप। ADRM सीनियर DSC /RPF SP रेलवे और नागरिक अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे थे, फुल स्टॉप। हालांकि छत पर सवार लोगों ने डिब्बों की छत से नीचे आने से इनकार कर दिया, फुल स्टॉप। वे यात्रियों और अधिकारियों पर पत्थर भी फेंक रहे थे, फुल स्टॉप। रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में भी एकत्र हुए थे और मदद और सुरक्षा
के लिए ADRM से संपर्क किया था। फुल स्टॉप। भारतीय रेलवे संशोधित आयामों की अनुसूची 2004 के अनुसार सार्वजनिक फुट ओवर ब्रिज शाहजहाँपुर में ऊर्ध्वाधर निकासी में 55 मिमी का उल्लंघन हुआ था। फुल स्टॉप। CE/P&D/NR ने इस संबंध में एक तकनीकी नोट और एक प्रति तैयार की, उसी का अनुलग्नक के रूप में संलग्न है। फुल स्टॉप। जिसकी एक प्रति अनुलग्नक के रूप में संलग्न है। फुल स्टॉप। उत्तर रेलवे प्रशासन ने CSO/NR कुमार गुप्ता बनाम के माध्यम से प्रारंभिक रिपोर्ट की मेरी तत्काल सिफारिशों के मद संख्या 2 पर अपनी टिप्पणी दी है। फुल स्टॉप। पैरा। इसके लिए रेलवे प्रशासन द्वारा उल्लंघनों को हटाने, नियमित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाना चाहिए। फुल स्टॉप। सुनिश्चित करने के लिए अच्छा कर सकती है। फुल स्टॉप। मांगी गई प्रत्येक छूट को जटिल माना जा सकता है और इसे केवल अंतिम रूप में दिया जा सकता है। फुल स्टॉप। हम समिति को जल्द से जल्द काम पूरा करने का निर्देश देते हैं। फुल स्टॉप। ताकि सभी उल्लंघनों को कम से कम संभव समय में हटाया जा सके और किसी भी मामले में 2 साल के बाद का ना हो। फुल स्टॉप। हम समिति को हर 6 महीने में इस न्यायालय में आवधिक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हैं। फुल स्टॉप। हम यह भी निर्देश देते हैं कि इस आदेश की प्रतियां रजिस्ट्री द्वारा मंत्री रेलवे और सचिव रेलवे भेजी जाएं, जिनसे अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। फुल स्टॉप। इसके अलावा सभी केंद्रीय पुलिस संगठनों को दिशा निर्देश जारी करने चाहिए या स्थायी आदेश संख्या के समान स्थायी आदेश। फुल स्टॉप। एक ITBP की 2011 और 2013 की 5वीं धारा यह सुनिश्चित करती है कि किसी विशेष दिन एक चक्र में केवल 600 उम्मीदवारों या इतनी संख्या में उम्मीदवारों को बुलाया जाए जिन्हें आसानी से प्रबंधित किया जा सके या उनकी देखभाल की जा सके। फुल स्टॉप। उस ओर से अनुपालन के लिए इस आदेश की एक प्रति रजिस्ट्री द्वारा सचिव गृह मंत्रालय को भेजी जाती है। फुल स्टॉप। समाप्त।